अगर आप भी श्रेयस अय्यर और जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 202वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ही रविंद्र जडेजा के साथ साथ श्रेयस अय्यर ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। आखिरकार कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना पचासा लगाकर पूरे मैच में श्रीलंका की टीम को रुलाया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा और श्रेयस अय्यर में बेहतर बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका टीम के बीच में चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। की जानकारी के लिए बता दें कि सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम हर एक जगह से, हर एक एंगल से फतेह पा रही है। सीरीज के इस दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल तो भारत के ही नाम था। हमने जाते जाते 81/6 विकेट कर दिए थे और भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही 252 रन लगाए थे स्कोरबोर्ड पर। दूसरे दिन में आकर हमारे गेंदबाजों ने फिर 109 रन पर श्रीलंका को ढेर कर दिया और इससे पहले कि श्रीलंका टीम कोई हरकत कर पाती, सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर 200 नहीं बल्कि 300 तक रन लगा दिए दूसरी इनिंग्स में, जिसमें दोस्तों ऋषभ पंत द्वारा 50 रन लगाए गए, रोहित शर्मा भी 45 रन लगा गए, विराट कोहली 13 रन पर फ्लॉप जरूर रहे और मयंक भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस बीच वाकई में बल्लेबाजी को देखने का मजा आया रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर को। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट मैच से लेकर दूसरे टेस्ट मैच में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। पहले टेस्ट मैच में सर जडेजा 175 नाबाद लौटे थे, तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में जहां आधी भारतीय टीम पवेलियन बैठ गई थी, तब श्रेयस अय्यर ने मुश्किल की खड़ी में 92 रन लगाए और अब दूसरी इनिंग में भी ऐसे ही इन दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप ने कमाल करके रख दिया। दोस्तों, जडेजा और अय्यर ने मिलकर श्रीलंकाई टीम की कमर तोड़ के रख दी। वैसे भी टी सेशन तक भारत का स्कोर 342 हो गया था। ये दोनों खिलाड़ी 18 और 10 रन बना चुके थे, लेकिन टी सेशन के बाद इन दोनों ने अपना अपना गियर बदलकर पांचवा घेर लगा दिया। दोस्तों, जडेजा ने तो तुरंत ही 3 चौके जड़ दिए। 75 गेंदों में उनके 22 रन जरूर हुए थे, लेकिन फिर वो अपने अर्धशतक से थोड़ी ही दूरी पर अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन श्रेयस अय्यर का इस विकेट गिरने पर 1% भी रत्ती भर असर नहीं पड़ा, क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर ने ना सिर्फ अपना 50 पूरा किया बल्कि आगे चलकर भारत को 400 के पार भी ले गए। पारी के 59वें ओवर में फर्नांडो की गेंद पर चौका जड़कर श्रेयस अय्यर ने अपने ही अंदाज में अपना 50 पूरा कर लिया और दोस्तों इसी 50 से भारतीय क्रिकेट टीम की लीड अब 390 के पार पहुंच गई थी। लेकिन श्रेयस अय्यर का तूफान केवल यही नहीं रुका, उन्होंने अश्विन के साथ रणनीति बनाई, उन्हें विकेट बचाने के लिए कहा और खुद बैक टू बैक रन लगाते चले गए। आगे चलकर श्रेयस अय्यर ने 3 चौके और अपनी पारी में ऐड कर लिए। अब 9 चौके जड़कर श्रेयस अय्यर 78 गेंदों में ही लगभग 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल चुके थे, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम अब 408 तक पहुंच गई थी। और दोस्तों, सब कुछ मुमकिन हो पाया तो जडेजा और अय्यर की वजह से और खास तौर पर श्रेयस अय्यर की उम्दा पारी की वजह से। और कहीं ना कहीं कप्तान चाह रहे थे कि अय्यर अपना शतक पूरा कर जाएं, लेकिन आप सभी अय्यर और जडेजा की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में मैदान में आते ही ऋषभ पंत ने छक्कों की बारिश कर दी और टेस्ट मैच को ही T20 बना डाला। लेकिन कैसे आखिरकार ऋषभ पंत की धाकड़ पारी के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम झुकती नजर आई। और दोस्तों, पंत के यही छक्के देखकर कैसे रोहित और कोहली भी हैरान रह गए, ये सब तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और पंत में बेहतर बल्लेबाज आखिरकार कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में रोहित शर्मा के बाद पंत ने मैदान में आकर ऐसा तहलका मचा कर रख दिया कि श्रीलंकाई टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत से ही भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए थे। बुमराह ने अपनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी से 5 विकेट का हॉल कंप्लीट किया। इतना नहीं दोस्तों, अश्विन ने भी बुमराह के साथ मिलकर श्रीलंकाई टीम को मात्र 109 रन पर रोक कर रख दिया। दोस्तों, हमने श्रीलंकाई टीम को ऑल आउट तो कर दिया था, लेकिन अब वक्त था एक विशाल लीड देने का, एक ऐसी बढ़त हासिल करने का जिससे कि मुकाबले को तीसरे दिन के खेल में ही जीता जा सके। इस लीड को चढ़ाने के लिए मैदान में आए रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, 5 चौके जड़कर वो फिर 22 रन पर आउट हो गए। लेकिन मयंक अग्रवाल का यह फ्लॉप शो भारत के किसी ज्यादा काम नहीं आ सका। रोहित भी संघर्ष कर रहे थे। आपको बता दें कि 4 चौके जड़कर दोस्तों रोहित शर्मा भी 39 रन तक पहुंच गए थे। इस बीच हनुमा विहारी ने भी अच्छी बैटिंग करी, वो भी 35 रन लगा चुके थे। लेकिन रोहित शर्मा के 45 रन पर आउट होने के बाद हनुमा विहारी भी 35 पर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो ये रहा कि विराट कोहली की खराब फॉर्म फिर से जारी रही।
दोस्तों कोहली ने 16 गेंदों में 13 रन लगा दिए, लेकिन फिर अपनी ही गलती की वजह से अपना विकेट भी गंवा बैठे। परंतु इस बीच जब मैदान में सुपर हीरो ऋषभ पंत की एंट्री हुई तो क्या खूब बल्लेबाजी करी दोस्तों ऋषभ पंत ने। मैदान में आते ही ऋषभ पंत ने चौके और छक्के जड़कर अब भौकाल मचा कर रख दिया था। श्रीलंकाई टीम के माथों पर पसीना आ चुका था और इसी बीच दोस्तों ऋषभ पंत ने ऐसे दो गगनचुंबी छक्के जड़े के देखकर श्रीलंकाई टीम तो छोड़िए रोहित और कोहली तक हैरान हो गए थे। आते ही दोस्तों सबसे पहले तो जय विक्रमा को अपना शिकार बनाते हुए ऋषभ पंत ने अपनी धागड़ पारी की शुरुआत करी तो जय विक्रमा ने 30वें ओवर की चौथी गेंद को एक फ्लाइट गेंद में तब्दील कर दिया। लेकिन ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत हैं, आगे बढ़कर डीप मिड विकेट की तरफ से इतना खतरनाक शॉट खेला कि गेंद सीधा गोली की रफ्तार से दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और ये गगनचुंबी छक्का हो चुका था। लेकिन जरा रुकिए, अभी असली तूफान आना तो बाकी था पंत के बल्ले से। दोस्तों आपको बता दें कि डिसिल्वा अब जब पंत के सामने आ गए तो उस ओवर की पांचवी गेंद पर तो चौका जड़ चुके थे पंत, और सबको लगा कि अगली गेंद पर पंत बड़ा शॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन पंत ने सबको गलत साबित कर दिया। 35वें ओवर की आखिरी गेंद को डिसिल्वा ने एक स्लोअर डिलीवरी में तब्दील कर दिया, लेकिन पंत ने ऑफ साइड की तरफ से एक इतना लंबा छक्का जड़ा कि ये पूरी सीरीज का अब तक का सबसे लंबा छक्का बन चुका है, जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा थी। दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत यहीं नहीं रुके, 20 गेंदों में ही उनके 40 रन हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मानो पिंक गेंद से कोई टेस्ट नहीं बल्कि T20 खेला जाता है। 22 गेंदों में ये धाकड़ खिलाड़ी 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 41 रन पर पहुंच गया और इनकी ये पारी किसी अर्धशतक या शतक से कम नहीं थी, क्योंकि इसी से भारतीय क्रिकेट टीम की लीड 315 रनों को भी पार कर चुकी थी। और पंत के ये छक्के इतने ज्यादा ही खतरनाक थे कि इसे तो रोहित और कोहली भी देखकर पूरी तरीके से दंग रह गए थे। लेकिन आप सभी पंत के छक्कों को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में रोहित शर्मा ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से कहर भरपा दिया है श्रीलंकाई टीम पर। और कैसे हनुमा विहारी के साथ मिलकर रोहित भारतीय क्रिकेट टीम को आगे लेकर चले वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज आखिरकार कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अपने दूसरे दिन के खेल में पहुंच चुका है। पहले दिन के खेल में भारतीय क्रिकेट टीम का ताबड़तोड़ प्रदर्शन देखने को मिला, शुरुआत जरूर लड़खड़ाते हुए हुई थी। रोहित शर्मा और उनके पहले 3 बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे, माना कि 50 रन तक हमारे 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद पंत की 39 और श्रेयस अय्यर की 92 रनों की पारी ने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम को संभाला बल्कि टीम के स्कोर को सीधा 200 के पार पहुंचा दिया। और वो अकेले श्रेयस अय्यर ही थे जिनकी 92 रनों की पारी ने भारतीय क्रिकेट टीम की लाज बचा ली, क्योंकि दोस्तों अय्यर की बदौलत ही हम 150 से उठकर सीधा 252 तक पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों पहले दिन के खेल में केवल बल्लेबाजों ने नहीं बल्कि गेंदबाजों ने भी खूब दमखम दिखाया था। बुमराह के 3 विकेट, शमी के 2 विकेट और अक्षर पटेल की बदौलत हमने 81 पर 6 विकेट कर दिए थे श्रीलंकाई टीम के। और अब जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो हमारे गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह ने अपने 5 विकेट के हॉल को पूरा किया और अश्विन के साथ मिलकर मात्र 109 रनों पर श्रीलंकाई टीम को खदेड़कर पवेलियन में बिठा दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम इतने उम्दा प्रदर्शन के बाद पूरे 144 रनों के अंतर से आगे चल रही थी। दोस्तों ये सब कुछ हमारे गेंदबाजों की बदौलत तो हुआ, लेकिन अब हमारे बल्लेबाजों ने फिर से बल्ला थाम लिया तो और दूसरी इनिंग्स में उतरकर रोहित शर्मा ने जो कमाल कर दिया है उसे देखकर आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आपको बता दें कि दूसरी इनिंग्स की शुरुआत भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं रही थी। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी मैदान पर उतरती है और मैदान पर उतरते ही दोनों खिलाड़ी चौकों की बारिश करने लगे। मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा के साथ अच्छी लय में नजर आ रहे थे। दोस्तों आते ही मयंक ने मात्र 30 से 35 गेंदों में ही 5 चौके जड़ दिए और बड़ी तेजी से 22 रन लगा दिए थे। दोस्तों मयंक ने 5 चौके भले ही लगा दिए हों, लेकिन रोहित शर्मा संभल कर बल्लेबाजी करना जानते हैं, तभी तो मयंक का विकेट गिरने के बावजूद रोहित मैदान पर टिके रहे। आपको बता दें कि 48 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से रोहित शर्मा ने बड़ी समझदारी से सूझबूझ से कप्तानी पारी खेली और 30 रन लगाए। भले ही रोहित शर्मा ने चौके कम लगाए थे, लेकिन रोहित की इसी पारी से अब श्रीलंकाई टीम पर दबदबा बन चुका था और हमारी लीड भी 200 को टच कर चुकी थी। हनुमा विहारी ने भी टी सेशन तक 27 गेंदों में 8 रन बनाए, लेकिन रोहित की बदौलत ही दोस्तों हमारी लीड अब 200 से ज्यादा की हो गई है। और रोहित का यू सेट होना इस बात को दर्शा रहा है कि रोहित के बल्ले से 50 नहीं
तो शतक तो पक्का निकलेगा। परंतु आप सभी को क्या लगता है, रोहित अपने बल्ले से कितने रन बनाएंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ही भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम को झुकना पड़ा और खासतौर पर कैसे बुमराह ने अपनी चमत्कारी गेंदबाजी के बल पर पूरी श्रीलंकाई टीम को रौंद कर रख दिया, ये सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बुमराह और शमी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।